स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप? ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी उपयोगी होने जा रही है जो संतान प्राप्ति के विशेष रूप से इच्छुक हैं या जो पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं। आप लोगों की जानकारी को बताऊं और कि उन लोगों के लिए भी ये विशेष उपयोगी है या होने जा रही है जो लोग बैल जैसा लंबा वेटिंग करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, ऑफिस वर्किंग के कारण नहीं हो पाता, बैठे रहते हैं सिटिंग वर्किंग। अगर आप बैठे हुए हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपका जो ऊर्जा वाला है वो भी न्यूट्रल होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। ये बड़ा प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं देखिए पहलवानी क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, मैं एथलेटिक कराटेबाज, किक बॉक्सर और लाठी नंचाकू ये सब चीज़ों के चलाने के हम शौकीन रहे और एक्सपर्ट भी रहे हैं। तो हमको पता है कि जो लोग केवल बैठे बैठे रहने का काम करते हैं और खाते रहते हैं, या तो ऐसे लोगों की भूख ही खत्म हो जाती है या फिर ऐसे लोग खाते भी हैं तो उल्टा वो उनको शक्तिहीन बनाता है, कितना भी काजू पिस्ता बादाम खा लो। उसके लिए मैं अक्सर लोगों को सुझाव देता हूँ कि 1 से 2 किलोमीटर की जॉगिंग करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम वॉकिंग करें, जवान लोग कहते हैं कि हम वॉकिंग करें। मैं कहता हूँ कि जवानों के लिए वॉकिंग नहीं, ये तो बूढ़े और कमज़ोरों के लिए वॉकिंग होता है। अगर बूढ़ा होना चाहते हो तो वॉकिंग करो और जवान होना चाहते हो तो दौड़ो, और यदि संतुलन में रहना चाहते हो तो जॉगिंग करो। सीधी सी बात है। आज कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बहुत दिनों के बाद में मैं बताने जा रहा हूँ, और साथ में एक जानकारी दूँ कि एक कार्यक्रम जो संगठन का है, कुंडली फाउंडेशन संगठन जो हमने रजिस्टर्ड कराया है, उसका एक ग्राउंड जीरो पर बरेली ज़िला में जो हमारी तपोस्थली हनुमान मंदिर है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 8 तारीख के लिए अक्टूबर को होने जा रहा है। आप लोग जब लाइव आएंगे तो उसमें जिला के प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षक, प्रतिभा सम्मान समारोह, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार बंधुगण हैं, समाज सेवी संगठन के लोग होंगे और साथ में जनता जनार्दन होगी। छोटा सा भंडारा भी चलेगा, लगभग 1500-2000 लोगों का करीब करीब प्रसाद वितरण। तो आप सब लोगों को अग्रिम सूचना दे दिए मैंने। चलिए चलते हैं जिस बूटी का हमने इसमें जिक्र किया है, नाम लिया है। सबसे पहले आप जान लो कि गर्व न ठहरने के कई कारण होते हैं, कि मासिक धर्म का ठीक से नहीं आना, यदि मासिक धर्म ठीक से आता है और गर्व आपका बार बार स्खलित हो जाता है, गिर जाता है, या फिर जिन पुरुषों का वीर्य बल कमज़ोर होता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो हमारे गुरु हुए, जो धागा बांध के नमज को देख लेते थे, नाड़ी विज्ञान के जानकार थे, तो हमने भी हाथ से नाड़ी को देखना सीखा, अभ्यास किया, लेकिन बाद में हमने छोड़ दिया क्योंकि लोग पेशाब करने के बाद भी हाथ नहीं धोते हैं, क्योंकि ज़माना चल गया, ट्रेंड चल गया है, फिर वो लोग हमारे पैर छूते थे तो हमें बड़ा असहजता महसूस होती थी। ये मैंने एक स्वच्छता अभियान है, जैसे कोरोना के टाइम में आप लोगों ने उसका प्रोटोकॉल का पालन किया स्वच्छता का, तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया हाथ नहीं मिलाने का, हाथ जोड़ने का। ठीक है, तो चलते हैं उस दिशा में। जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए तो एक लक्ष्मणा बूटी आती है, और लक्ष्मणा जो जड़ी आती है उस लक्ष्मणा जड़ी के लिए आप जड़ी की जो जड़ हो उसको आप पुख नक्षत्र में उखाड़ लीजिए। पुख नक्षत्र आता है, ये ज्योतिष के अनुसार होता है, महीने में एक बार अवश्य आता है। उसके जड़ को एक दिन पहले शाम के समय, जैसे कल पुख नक्षत्र है, सपोज करो पुख नक्षत्र है, अगर कल पुख नक्षत्र है तो आज शाम को चावल, चीनी और फूल, फूल ना मिले कोई नहीं, हल्दी और पानी ले जाके उसमें डालिए और कहो कि कल सुबह हम भोर में लेने आएंगे। तो दूसरे दिन सुबह के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जाइए, सूरज निकलने से पहले नहा धो के जाओ, उसके जड़ को किसी नुकीली लकड़ी के सहारे, माने उसमें चाकू का प्रयोग ना हो उस जड़ में,
उस पेड़ के उखाड़ लेना है जड़ को जो जमीन के अंदर होता है, पूरा नीचे निकलता है ऐसे। बहुत बड़ा वृक्ष नहीं हो, ये तो पौधा होता है। इसके लिए हमारे इधर उत्तर भारत में गुमा भी कहते हैं, आप गुमा करके भी सर्च कर सकते हैं, आप लक्ष्मणा कह के करके भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके पौधे की पहचान भी कर सकते हैं, फोटो भी आ जाएगा। फिर उसके जड़ के लिए उखाड़ के आप ले आएंगे घर पे, गंगा जल से धो करके, और धोने के बाद में फिर उसका पूजन करें। पूजन करने के पूजन माने गंगा जल से धोया, प्रणाम किया, अपनी साधना किया जो भी करते हैं। फिर उसको एक कुंवारी कन्या, एक बालिका से जो मतलब 8-10 साल की होगी, जिसको मासिक धर्म ना आता हो, ऐसी लड़की से उसको पिसवाएंगे, माने उसको चटनी जैसा बनवाएंगे, और गाय के दूध में उसको मिला करके, गाय का दूध हो, गाय का दूध हो, लेकिन अगर उसके नीचे बछड़ा हो गाय के तो ज़्यादा अच्छा है, और देसी गाय हो होना चाहिए, दोगलापन ना हो। तो जब आपका मासिक धर्म समाप्त हो जाए महिला का, तो उसके 6वें, 8वें, 10वें, 12वें दिन उसको सुबह को खाली पेट पिला देना चाहिए, ऊपर से 1 घंटे तक कुछ खाए नहीं। तो वैद्य गुरु का जो सिद्धांत है, सूत्र है, वो कहता है, बाबू हरिदास वैद्य जी महाराज कहते हैं कि पांच के भी पुत्र होता है। एक और आपको सूत्र बताते हैं, फल कटैया आते, एक सफेद रंग का फूल आता है उस पर, सफेद कटेरी, कंटकारी भी कहते हैं, फूल आता है, उसकी जड़ को दूध के साथ में पीसकर किसी भी दिन मासिक धर्म के बाद में, गाय के दूध में थोड़ा सा, 2 चम्मच गाय का दूध हो, और उसकी जड़ को पीस लो उसमें साफ सुथरा करके, और महिला अपने दाहिना सुर चला के, ये वाला सुर चले राइट हैंड का, ऐसे लेट जाओगे बाएं करवट तो दाहिना सुर चालू हो जाएगा, और उसी से पीना भी है उस दूध के लिए। तो कहते हैं कि संतान की तो प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है, जो पुत्र के इच्छुक हैं उनके लिए। और अगर आप बाएं नासिका से पीते हैं इसी तरह से उसके लिए दूध को, 2 चम्मच दूध में, वो मिश्री वगैरह नहीं डालना है, नेचुरल रहना है। इसी प्रकार एक तीसरा सूत्र है, लक्ष्मणा की जड़ और सुदर्शन, एक पौधा होता है, इसमें लंबे लंबे पौधा होते हैं, सुदर्शन पौधा, जो हमारे गांव में गर्म करके उस पौधे के पत्तियों के लिए, लंबे लंबी पत्तियां होते हैं गन्ने के पत्ते की तरह होता, वो पौधा ही है, उसको गर्म करके निचोड़ के कान में डालते थे कान के दर्द को दूर करने के लिए। उसकी जड़ को, लक्ष्मणा की जड़ को, दोनों को कन्या के हाथों से पिसवा कर गाय का घी और दूध, माने 1 गिलास दूध में उसको मिला लो, और 1 चम्मच देसी घी गाय का उसमें डाल दो, रात्रि में सेक्स करने से 2-3 घंटा पहले उस महिला अगर पी ले लगातार 2-3 रात, तो गर्भ रहने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। समझ रहे हैं, ये 2-3 आपको ऐसे ऐसे आइटम बताए हैं जो आपके लिए बहुत काम के होंगे, लेकिन अब ये बात आती है कि जो पुरुष है, अगर उसका वीर्य बल कमजोर होगा तो भी गर्भ नहीं ठहरता है। उसके लिए कुछ उपाय हैं, उनका आप प्रयोग करें। महीने भर ब्रह्मचर्य का पालन करिए, जो मासिक धर्म आए उसके बाद में आप खूब सेक्स कर सकते हैं, माने 15-20 दिन आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसमें शतावर का प्रयोग, अश्वगंधा माने 50 ग्राम शतावर, 50 ग्राम अश्वगंधा, और दस ग्राम लौंग, इन तीनों को चूर्ण बना लो, पीस लो,
इसको रोज़ाना एक गिलास मिश्री पड़े हुए दूध के साथ में पाँच से छः ग्राम पुरुष और महिला दोनों रात्रि के समय इसको खाना खाने के आधे घंटे के बाद में लें, तो जिन महिलाओं के अंडाणु कमज़ोर हैं या जो पुरुष का शुक्राणु बल कमज़ोर है उसको मेंटेन करता है, वीर्य को शुद्ध करता है, महिलाओं का जो रज होता है उसको शुद्ध करता है, और जो मासिक धर्म चलने लगे तो महिलाओं को ये चूर्ण बंद कर देना चाहिए। हालांकि जो है हमने महिलाओं के लिए रंभा तूफानी और पुरुषों के लिए तूफानी तूफानी अल्टा और सुपर तूफानी जैसे चूर्ण भी अपने वैद्य जी के द्वारा बनवाए, जो पिछले 5 वर्षों से देश से विदेश तक लोग इसको यूज़ कर चुके हैं और कर रहे हैं। शारीरिक बल बढ़ाने के साथ साथ में मानसिक बल को भी ये बढ़ाता है, गया हुआ आत्मविश्वास वापस आता है। जिन लोगों का लिंग छोटा पतला कमज़ोर हो गया हस्त मैथुन की वजह से, वो लोग भी इस चूर्ण को खा के उन्होंने अच्छा बैटिंग किया है और पुत्रवान भी संतानवान भी बने हैं ऐसे पुरुष। थोड़ा कॉस्टली है किंतु है बड़ा इफेक्टिव। 30 से 35 बीना में जो कोरोनरी वायरस गया था 2021 में, तो जिन लोगों ने इस चूर्ण को खाया उनको वो वायरस का संक्रमण नहीं हुआ, ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं। और जिन्होंने संक्रमण होने के बाद में इसको खाया तो उन लोगों को संक्रमण से मुक्ति आसानी से मिल गई। मैंने ऐसा सुना है, कई वीडियो आई हैं, और ऐसा नहीं एक आदमी की वीडियो, सामाजिक रूप से पत्रकारों के एंकरिंग के साथ में जो वीडियो आई हैं जिन्होंने कोरोनरी वायरस की जो कई कई डोज लगवाई तो वो लोग नपुंसक हुए और हार्ट अटैक की शिकायतें बढ़ गई, फिर चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख हों कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप भी अगर आपके जिन पुरुषों को 2 डोज लगे हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी बैटिंग पावर कितनी कमज़ोर हो गई है। मैं कहता हूँ करोड़ों अरबों से रुपया हो आपके पास में लेकिन आपका औजार कमज़ोर है, थका हुआ है, हैं कमज़ोर है और आप सेक्स नहीं ठीक से कर पाते हैं, औरत को संतुष्ट नहीं कर पाते हो, तो मंदिर और मस्जिद में जाकर के तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम ऊपर वाले को क्या खुश करोगे? उसे किसी की खुशी की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं है। इबादत की ज़रूरत तो कमज़ोरों के लिए होती है और हम तुम कमज़ोर हैं, और कमज़ोरों की आवाज़ वो जल्दी नहीं सुनता है। उसके लिए तुम्हें ताकतवर होना चाहिए, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, फिट होना चाहिए। वो कहता है अपनी औरत को घरवाली को खुश नहीं कर पाते, यहाँ 5 टाइम की नमाज चिल्ला चिल्ला के कर रहा है, 2 टाइम घंटा जोर जोर से बजा रहा है, लेकिन तुम्हारा जो घंटा है वो कमज़ोर हो गया है। तुम्हारी औरत पे औरत तुम्हारी औरत तुम मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारे घर में देखो जा करके कहीं पड़ोसी के साथ भाई के साथ या घर पुराने बुराए फ्रेंड कहीं वो अपने तबला ना बजवा रही हो, क्योंकि ये नेचुरल नीड है। मैं कहता हूँ संभोग मेरी साधना, संभोग मेरा ध्यान, संभोग शिव का रूप है, संभोग करे कल्याण, विषम भोग दुनिया करे दे दे अपने प्राण, साधु तो संभोग करे पावे पद निर्वाण। तो संभोग एक ऐसी है संसार का सबसे बड़ा सुख मनुष्यों के लिए नहीं अपितु जीव जंतुओं को। मैंने देखा है, ऐसा देखा भी जाता है, अनुभव है बहुत सारे लोगों का और मेरे, कि जिनके पास में 90-90 कारें, हवाई जहाज जिनके चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, हजारों वर्कर जिनके यहाँ वर्कआउट करते हैं, पूरे विश्व में जिनका नाम है, लेकिन वो लोग भी औजार से कमज़ोर हो गए। तो पता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए दूसरों के घरों में दूसरे लोगों के लिए अपनी औरतें हैंड ओवर कर देते हैं कि इसकी संतुष्टि कर दो, इसकी प्यास बुझा दो हमारी औरत, नहीं तो ये छोड़ के चली जाएगी। तो छोड़ के चली जाएगी तो फिर जो हमारी कंपनी हमारा सब कुछ सलाह जो किंगडम है सब बर्बाद हो जाएगा, औरत मुंह पे पेशाब करके चली जाएगी। तो मैं कहता हूँ हथियार से मजबूत बन के रहिए, धन हो या ना हो एक दिन आ ही जाएगा, गाड़ियाँ हो ना हो एक दिन आ ही जाएंगी, महल हो या ना हो एक दिन हो ही जाएगा, अगर तुम्हारे पास में ऊर्जा है, तुम्हारे पास में पॉजिटिव थिंकिंग है। जिस समय आपका सेक्स पावर कमज़ोर हो जाता है तुम नेगेटिविटी से धीरे धीरे भरने लगते हो, तुमको पता नहीं चलता है, बहुत तरह के संक्रमण तुम पे हावी होने लगते हैं। हालांकि जो हमारा तूफानी चूर्ण है
वही लोग इसको खाएं जिनका बैड मजबूत हो, क्योंकि हथियार मजबूत होने के बाद में तुम्हारा बैड भी चरचराने लगेगा, टूट सकता है। समझ रहे ना? इस वीडियो को जनहित में जरूर शेयर करना ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो। और मैं कहता हूँ, संसार के जो 80-90% जो अपराध होते हैं या आपराधिक प्रवृत्तियाँ जो मन में रहती हैं, वो हमारे काम ऊर्जा के कुंठित होने के कारण होती हैं। क्योंकि ऊर्जा एक ही है, उसी ऊर्जा से हमारा बॉडी बना है, जीवन आया है, जीवन धारा जो चल रही है वो वीर्य बल से चल रही है। और जिसका वीर्य बल, जिसका सेक्स पावर जिसकी कमज़ोर है, तो ना पढ़ने में मन लगेगा, ना काम करने में मन लगेगा, ना पहलवानी करने में लगेगा, ना कोई ऑफिस वर्किंग करने में मन लगेगा। क्योंकि मन तो शक्तिवान के कंट्रोल में होता है ना, तो उसमें फिर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। बुरे बुरे विचार आते हैं, हिंसा, बलात्कार, ये सब चीज़ें, नए नए अपराध, हत्याएं, लूटमार, ये सब इसी के दुष्परिणाम हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को जनहित में शेयर करें। कहने को बहुत है, लेकिन इन दोनों बहुत व्यस्त चल रहे हैं, कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ओम शांति, ओम क्रांति। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, मैं ये जरूर कहूंगा शेयर जरूर करें, अच्छी बात है।